तो ही अपने घर से बाहर निकले। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई अमल में ला जाएगी। जिस किसी को अति आवश्यकता है वो बाहर निकले, अदरवाइज कोई भी बाहर ना निकले। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है, बिल्कुल बंद रहेगा मंडे सुबह 5 बजे तक। आप सभी से प्रार्थना है, प्लीज अपने घर जाइए, मास्क का यूज कीजिए। धन्यवाद। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह होते ही लगातार पुलिस की गाड़ियां हर मेन बाजारों में घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूरा मेन बाजार लगभग बंद देखा जा रहा है। लेकिन कुछ एक लोग जरूर हैं जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार उनको पुलिस समझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि बाहर बगैर मतलब की अगर घूमते हुए पाए गए तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अब खुल क्या कह सकता है, अगर उसकी बात की जाए तो सिर्फ इसेंशियल जो चीजें हैं सिर्फ वही खुल पाएगी। रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, ढाबास को परमिशन दी गई है सिर्फ होम डिलीवरी करने की, और फल सब्जी की दुकान है, करियाना की दुकान है, केमिस्ट शॉप्स हैं, सिर्फ इनको परमिशन दी गई है होम डिलीवरी करने की। अन्यथा उसके अगर बगैर मतलब के कोई भी बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई की जाएगी। करनाल के मेन चौक पर इस समय आप देख सकते हैं भगवान वाल्मीकि चौक पर हम मौजूद है, घंटाघर चौक पर हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अमूमन इस पूरे बाजार में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन पूरा का पूरा बाजार बंद देखा जा सकता है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो थाना सिटी SHO है वो भी लगातार हर मेन बाजार में खुद घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी से अपील करेगा कि अपने अपने घर पर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है उसमें बगैर किसी रीजन के अगर आप बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो है प्रशासन कार्रवाई करेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज और कल का जो वीकेंड लॉकडाउन है उसके बाद 8 दिन और जो है शहर के तमाम व्यापारियों ने इकट्ठे होकर यह फैसला लिया था कि सभी मेन बाजार बंद रहेगा, सिर्फ इसेंशियल की दुकानें यानी कि करियाना, फल सब्जी, डेयरी, केमिस्ट शॉप्स सिर्फ ये खुली रहेंगी। और आज भी सिर्फ इन्हीं को परमिशन है सिर्फ होम डिलीवरी करने की। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय थाना सिटी SHO हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर संदीप कुमार। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं क्योंकि सुबह का समय है, कुछ एक लोग देखे जा रहे हैं सड़कों पर घूमते हुए लेकिन दुकानें तकरीबन बंद है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको संज्ञान में है, पहले ही हरियाणा सरकार के आदेश है कि 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन। उसके संबंध में हमारी PCR राइडर्स और जो SHO मोबाइल हैं सारी एयर में हैं, और लगभग जो हमने अब तक चेकिंग किया है दुकानें जो शॉप्स हैं 100% बंद है। लेकिन फिर भी लोगों से अपील है कि बिना बात के अपने घर से ना निकले, अगर कोई अति आवश्यकता है जब भी अपने घर से निकले, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है वो अमल में लाई जाएगी। कौन कौन सी सर दुकानें खुल सकती हैं? मेनली सर फ्रूट, जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो भी जैसे फ्रूट है, डेयरी है, हॉस्पिटल्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, यही खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट है जो होम डिलीवरी कर सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ क्लोज रहेगा। भीड़ ना लगे होम डिलीवरी के लिए? बिल्कुल, ये होम डिलीवरी के लिए है तो हमने सबसे रिक्वेस्ट करी है और अब तक सुख शांति से चल रहा है। तो इसके अलावा सर अगर कोई दुकान खोलेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, दुकान भी सील की जाएगी? 100% दुकान सील करी जाएगी, उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी। सर कल जिले भर के तमाम व्यापारी जो है करनाल के अधिकारियों से मिले थे और उसके बाद उन्होंने भी जो है 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है सिर्फ बाजारों में। आवाजाही DC साहब ने कहा कि जारी रहेगी लेकिन जो बाजार है मेन बाजार है वो इसेंशियल को छोड़कर अगले 10 दिन तक वो बंद रहेंगे। देखिए, जैसे कल DC साहब और SP साहब की मीटिंग हुई थी व्यापारियों के साथ, और ये बड़ी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद संज्ञान लिया है कि हम अगले 8 दिन मतलब कि शॉप्स बंद रखेंगे वीकेंड लॉकडाउन के बाद। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैटल फीड की दुकानें खुली होंगी या नहीं। बिल्कुल, DC साहब ने परमिशन दी थी कि कैटल फीड की दुकान खुली रहेगी लेकिन आपने भीड़ नहीं लगने देनी है, शटर बंद करके सिर्फ अगर कोई आता है सिर्फ उसी को जो है आपने इस तरह का सप्लाई जो है दे सकते हैं। लेकिन इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपने भीड़ नहीं लगने देनी है। और इस समय आप देख सकते हैं शहर के मेन बाजार में है जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि माइक पे भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि बगैर मतलब के आप बाहर ना घूमें। इस तरह की लाइव तस्वीरें समय करनाल के मेन बाजार से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं लगातार पुलिस प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर किसी को विशेष काम है, हॉस्पिटल है, कमिश्नर में जाना है, कोई जरूरी काम है, तभी अपने घर से बाहर निकले, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी।
तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार पुलिस की तरफ से हर एक मैसेज दिया जा रहा है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि पुलिस प्रशासन का कोऑपरेट कीजिए। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मेन बाजार किस तरह से जो है बंद नजर आ रहा है। जहां भी आप देखेंगे कि किस तरह से सभी जो दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के मेन बाजार से आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें बगैर मतलब के। अगर आप घूमते हुए पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लाइव तस्वीरें करनाल के मेन बाजार से आप देख सकते हैं, घंटाघर चौक पर इस समय मौजूद है, जहां की आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि तकरीबन पूरा का पूरा बाजार जहां जहां आपकी नजर जाएगी पूरा बाजार जो है बंद देखा जा सकता है। और लगातार करनाल पुलिस के जो अधिकारी हैं लोगों को अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि बगैर मतलब कि अगर आप बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में सभी व्यापारियों ने इकट्ठे होकर एक फैसला लिया है कि 10 दिन वह बाजार बंद रखेंगे, यानी कि 2 दिन तो वीकेंड लॉकडाउन है ही है, शनिवार और इतवार आज और कल। उसके अलावा भी जो है लगातार 8 दिन तक जो है बाजार बंद रखने की बात कही गई है। हालांकि डीसी साहब ने यह साफ कर दिया था कि लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने एक ये भी अपील की है कि बगैर मतलब कि अगर आप बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी भी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार दोबारा से SHO साहब से जानना चाहेंगे, सर लोगों से दोबारा से क्या अपील करते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन है, बगैर मतलब के बाहर बाहर ना निकले। नहीं, मैं यही अपील करूंगा, जैसे कि हरियाणा सरकार के आदेश है कि 2 दिन बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा। अगर किसी को विशेष कार्य है, हॉस्पिटल में जाना है या कोई केमिस्ट पे जाना है तो वो जाए, अदरवाइज मतलब बिना बात के बाहर ना निकले, मेरी प्रार्थना है। हाँ, एक और बीच में रह गई थी, फार्मर्स को भी अलाउड है, अपना ट्रैली वगैरह फार्मर्स निकल सकते हैं बाहर, क्योंकि वो भी एसेंशियल गुड्स में ही आता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी बिना बात के बाहर ना निकले, जिसको विशेष कार्य हो तभी बाहर आए। करनाल में कितने दिन बाजार बंद रहेंगे सर? सर वैसे तो हरियाणा सरकार के आदेश तो वीकली लॉकडाउन के हैं, लेकिन जो हमारे लोकल व्यापारी है इन्होंने हमारा समर्थन करते हुए हमारी रिक्वेस्ट पे प्रशासन के 8 दिन के लिए एक्स्ट्रा बंद करने का आश्वासन दिया है, और जिला प्रशासन और करनाल पुलिस इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्योंकि जहां जहां मामले बढ़ रहे हैं इस तरह का जो है शुरुआत की गई है, जहां पर खुद व्यापारियों ने आगे आकर जो है एक डिसीजन लिया, जिसके बाद इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि हालांकि आप तो वीकेंड लॉकडाउन है और पूरा का पूरा बाजार आप देख सकते हैं बंद है, और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बगैर मतलब कि अगर आप बाहर घूमेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लाइव तस्वीरें शहर के मेन बाजार से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के मेन बाजार से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बाजार किस तरह से बंद है। और लोगों से लगातार यही अपील की जाती है कि बगैर मतलब कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार इस खबर को दिखाता रहेगा, प्रमुखता से दिखाता रहेगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और लगातार हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा में 9 जिलों में जो है वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, और करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते हर पल पल की अपडेट जो है आपके बीच में लाता रहेगा, इस कोरोना लॉकडाउन के जुड़ी हुई हर खबर जो है आपको दिखाता रहेगा। हमारी आप सभी से अपील है कि प्रशासन का कोऑपरेट जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो 10 से 15 दिन है ये कोरोना का पीक पीरियड है, 10 से 15 दिन है। अगर 10 से 15 दिन अगर आप बच जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है सावधानी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारी सिर्फ अपील है कि जागरूक खुद भी रहिए, दूसरों को भी जागरूक कीजिए, ताकि प्रशासन को भी आपके ऊपर सख्त ना होना पड़े, क्योंकि अगर प्रशासन सख्त होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इन एसेंशियल चीजों की दुकानों के अलावा अगर कोई दुकान खुली पाई जाएगी तो उस दुकानदार के खिलाफ मामला भी दर्ज होगा, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और उसकी दुकान भी सील की जा सकती है। इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि वीकेंड लॉकडाउन में एसेंशियल चीजों के अलावा आप कोई भी दुकान नहीं खोलेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको करनाल शहर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देता रहेगा। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑटो चलेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बाहर निकलने पर ही मनाई है तो ऑटो कैसे चलेंगे, वीकेंड लॉकडाउन में कुछ भी नहीं चल सकता है। हालांकि किसी की इमरजेंसी है तो वो जा सकता है, लेकिन बगैर मतलब कि अगर आप घूमते हुए पाए गए, सवारियों को बिठाकर इधर उधर छोड़ते हुए पाए गए तो निश्चित तौर पर प्रशासन जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। हालांकि कुछ एक लोगों की इमरजेंसी है, किसी ने रिक्शा पकड़कर ऑटो रिक्शा पकड़कर जाना भी है, कोई स्टेशन से आ रहा है, कोई बस स्टैंड से अगर बाहर से आ रहा है तो उनके लिए इजाजत है, इस तरह का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बगैर मतलब कि अगर आप बाहर घूमेंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से बार बार अपील करेगा कि प्रशासन के इस वीकेंड लॉकडाउन का जरूर सख्ती से पालन करें। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो प्रशासन निश्चित तौर पर आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और इस समय ये लाइव तस्वीरें करनाल के मेन चौक से आप देख सकते हैं, करनाल के मेन चौक पर इस समय मौजूद है, जो शहर का मेन जो है बाजार है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन सभी बाजार, पूरा का पूरा बाजार जो है
बंद देखा जा सकता है और लगातार जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट की गाड़ियां हो, सरकारी गाड़ियां हो, लगातार बाजारों में घूमना शुरू हो चुकी है और लगातार पुलिस प्रशासन भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों से साथ की अपील कर रहा है, ताकि अगर आप इस समय प्रशासन का साथ नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी आपके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह का जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है वो पूरे जिले में रहेगा 2 दिन, उसके बाद जो फैसला व्यापारियों ने लिया है, शहर भर के व्यापारियों ने लिया है, वो शहर के बाजार बंद रहेंगे लेकिन गांवों में जो बाजार हैं वो खुले रहेंगे। उस पर प्रशासन ने अभी फैसला नहीं लिया है, वो 1 या 2 दिन में जो फैसला है वो लिया जा सकता है। कंप्लीट लॉकडाउन भी जो है लगाया जा सकता है, लेकिन अभी इस बारे में सिर्फ ये जानकारी है कि व्यापारियों ने जो फैसला लिया है, क्योंकि वो सभी बाजार, शहर के मेन बाजार, इसेंशियल चीजों की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार जो है बंद रहेंगे। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कन्फेक्शनरी की अगर बात की जाए तो कन्फेक्शनरी की हालांकि अभी तक इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि सिर्फ होटल से रेस्टोरेंट को जो है होम डिलीवरी की इजाजत दी गई थी। तो एक बार दोबारा से करनाल के डिप्टी कमिश्नर से वह चीज क्लियर कर लेंगे कि होम डिलीवरी के लिए क्या कन्फेक्शनरी खुल सकती है। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार करनाल शहर से जुड़ी, इस कोरोना से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाएगा, जागरूकता भरी हर खबर जो आपको दिखाएगा। हम पैनिक नहीं करते हैं, हम लोगों को डराते नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। और लगातार लोगों के बीच में रहकर हम लोगों से एक बात जरूर करते हैं कि आपने सावधानी बरतनी है, आपने प्रशासन का कोऑपरेट करना है, क्योंकि केसेस कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही है। अगर आज की बात की जाए, अभी कुछ ही देर पहले से हम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के डेड हाउस से होकर आए हैं, पोस्टमार्टम हाउस से होकर आए हैं, तो वहां पर 6 से 7 शव जो है अभी आ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन, हालांकि डेड बॉडीज जो है दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की है, 2-3 करनाल की है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हमें खास तौर पर अपने बुजुर्गों को बचाना है, वैक्सीन जरूर लगाइए, आप निकलिए घरों से बाहर, वैक्सीन जरूर लगाइए। और आप देख सकते हैं कि होटल्स रेस्टोरेंट से जो है आप होम डिलीवरी करके खाना मंगा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर जाएंगे, वहां पर खड़े होंगे बगैर मतलब के, अगर आप घूमते हुए पाए गए तो निश्चित तौर पर प्रशासन आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्रीज जो है खुली रहेंगी, ये प्रशासन ने फैसला ले लिया था पहले कि जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो खुला रहेगा, लेकिन उनको तमाम तरह के एहतियात जरूर बरतने होंगे। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।